नमस्कार, आदाब, शस्त्र अकाल। मैं हूं पत्रकार रिफत नसीम और आप जुड़ चुके हैं रबची लाइव के साथ। कुड़नी उपचुनाव से पहले मुकेश सहनी भाजपा में लाएंगे भूचाल। दरअसल बीते दिनों बिहार भाजपा अध्यक्ष के द्वारा कहे गए नीतीश के गुर्गों वाले बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान किसी सड़क छाप पार्टी के अध्यक्ष का बयान लग रहा है। वहीं सहनी को मुख्यमंत्री नीतीश के गुर्गे कहने वाली बात पर मुकेश सहनी ने हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा वीआईपी को जेडीयू का बी टीम बताया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि मैं कहता हूं कि बीजेपी निषादों को आरक्षण दे, फिर वीआईपी बीजेपी की ए टीम बन जाएगी। सहनी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मैं संजय जायसवाल के सपने में आता हूं, ये तो मुझे पता था, लेकिन अब वे बेचैन भी होने लगे हैं ये नहीं पता था। उन्होंने कहा कि अब वे उल चलूल बयान देने लगे हैं जिससे उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। इस दौरान सवालिया लहजे में सहनी ने कहा कि आखिर जायसवाल जी के पेट पे दर्द क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे घर बंगला का लालच नहीं है, क्योंकि इस संघर्ष में हमने बिहार में लाखों लोगों के दिलों में घर बना लिया है। वहीं सहनी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नेता उनका मुंह नहीं खुलवाएं। उन्होंने कहा कि अगर मुंह खुल गया तो भूचाल आ जाएगा। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कुड़नी उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि वहां सवर्ण समाज के नीलाभ कुमार को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जनता जरूर उनको पसंद करेगी। इस तरह मुकेश सहनी ने बिहार भाजपा अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। यहां सवाल ये उठता है कि आखिर मुकेश सहनी को लेकर भाजपा इतनी ज्यादा आक्रामक क्यों है? क्या भाजपा को ऐसा महसूस होता है कि मुकेश सहनी की वजह से कुड़नी में भाजपा की हार हो सकती है, या फिर सहनी के पास कोई ऐसा राज छुपा है जो कुड़नी विधानसभा चुनाव प्रभावित कर सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो कुड़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, लेकिन भाजपा के आक्रामक तेवर को देखते हुए मुकेश सहनी के अगले कदम का सभी को इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वक्त वक्त पर हमारे रिपोर्ट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।